हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी। दिस राहुल कुशवाहा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जैम एंड गेट नेट आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो भी हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ टोटल ऐसे क्वेश्चंस आएगा, आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और उससे कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने या इसका सिमिलर आइसोमर कौन सा है, तो आपको उसको प्रेडिक्शन करके बताना होगा। तो आप देखेंगे कुछ रूल्स हैं, कुछ नए नए नियम हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या याद रखना है कि उनकी कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात आती है कनेक्टिविटी का मीन क्या है। कनेक्टिविटी का मीन ये है कि जो भी आइसोमर्स हम लोग फॉर्म करेंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सपोज दैट, जैसे एक तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो MA2B2, ठीक है, और इसी का अगर मैं एक और आइसोमर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ MA3B। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 है, और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में मेन क्या होना चाहिए आपका, कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं हमारे? एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप ऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक में जैसे सिस और ट्रांस का केस होता है, सिमिलर ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग सिस और ट्रांस का केस पढ़ते हैं। अब वहां के लिए प्रोसेस क्या होता था, जैसे सपोज दैट आप ऐसे देख सकते थे कि सिस और ट्रांस हम लोग कैसे दिखाते थे, कि जैसे सेम सब्सटेंस सेम साइड होता था, दैट इज सिस, एंड अपोजिट स्पेसीज अगर अपोजिट साइड होगी तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते थे, ट्रांसफॉर्म में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ हम लोग एंगल से डिसाइड करते हैं कि विच वन इज अ सिस आइसोमर एंड विच वन इज अ हमारा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है, सेम लिगेंड होनी चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पे होनी चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल, दैट इज सिस, और सेम लिगेंड अगर अपोजिट है, दैट इज 180 डिग्री पर है अगर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, देखिए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओनली डिपेंड्स 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल एंड लास्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। जो भी हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। ठीक, अब आगे मैं चीजें पढ़ता हूँ कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे मीथेन से इसको हम लोग रिलेट करें तो मीथेन की तरह इस तरीके से इसको रिलेट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। जब एंगल इतना होता है और सिस के लिए कंडीशन 90 डिग्री और ट्रांस के लिए कितना, 180, तो यहाँ तो ऐसा कोई प्रोसीजर है ही नहीं, कोई भी लिगेंड इस इतने एंगल पर एग्जिस्ट करेगा नहीं। जब इस एंगल पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो सिस और ट्रांस नहीं होगा, तो सिस ट्रांस नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। ठीक है, आप देखिए नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स जैसे निकालने हैं हमको, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस 1/2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये 1/2 कैसे आता है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ से इसका यूज हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में हम क्या देखा अभी, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोगों को निगलेक्ट करना होगा, यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर टर्म हमारा यूज होगा। अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे ऑर्गेनिक में भी आप देख के हैं कि मिरर इमेज हम लोग लगाते हैं, और मिरर इमेज अगर एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो रही है
तो वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, और सुपर इम्पोज अगर नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर हम लोग देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड बना टेट्राहेड्रल, जैसे ये मेटल लगी है एम, ये हमारे पास है फोर लिगेंड्स है और ये मिरर लगाया गया है। अब इसकी जब मिरर इमेज देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड होता है तो वो राइट में दिखाई देगा। तो देखिए ये आर आपका राइट में दिखाई दिया, ये भी यहाँ हो गया, और ये जो प्लेन पे थे उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अब हर एक मॉलिक्यूल का इस तरीके से मिरर इमेज बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मिरर इमेज फाइंड आउट ना करनी पड़े तो वहां पर हम लोग पीओएस देखेंगे। पीओएस टेंड्स टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो जहां पर भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तुरंत हम लोग कह देंगे कि वहां पर वो क्या, वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि ऑर्गेनिक में या फिर कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कोई भी जो भी सिमेट्री हमारी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। ठीक है, पीओएस को देखो हम लोग ऐसे, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सपोज दैट इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो भी लीगेंड है या मॉलिक्यूल है उसको एक सर्कुलर बॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको अगर बीच से हम लोग कट करें तो देखिए इस तरीके से ये कट होगी, और कट होने के बाद दोनों तरफ का पोर्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम। जब दोनों तरफ का पोर्शन सेम दिखाई देता है तो हम लोग कह देते हैं वहां पर क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखिए ये दिखाया गया है, ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हर एक लीगेंड को एज अ बॉल ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, और बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि प्लेन एक पास किया यानी कट कर रहे हैं। जैसे नाइफ से किसी चीज को कट करो, कोई भी फ्रूट से उसको कट करो तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो प्लेन से इसको कट कर दिया तो इनसे मतलब नहीं है, जो रिमेनिंग लीगेंड है ये लीगेंड और ये लीगेंड, सपोज दैट ये लीगेंड ए है और ये भी ए है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों ही लीगेंड जो रिमेनिंग लीगेंड्स हैं अगर वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इट मीन वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास इस तरीके से दिया जाए, यहाँ ए था यहाँ पर भी ए था, एक काम करते हैं यहाँ बी कर देते हैं और यहाँ ए, इस तरीके से ये तो कट हो गया। अब ये कि यहाँ पर लीगेंड बी है यहाँ ए है, ये दोनों एक दूसरे को अब रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे तो पीओएस नॉट एग्जिस्ट, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। अब टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो होते हैं उनके उसके अंडर में ये फोर टाइप्स के हमारे पास में मॉडल आते हैं, इन टाइप्स के मॉडल्स को हम लोग टेट्राहेड्रल में डील करेंगे और देखेंगे किसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा MF4 टाइप, यानी ऑल लिगेंड्स आर सेम, एग्जाम्पल के फॉर्म में NiCO का होल फोर ले सकते हैं। तो देखिए जेमेट्रिकल नहीं होती है आइसोमेरिज्म, लेकिन एक कंपाउंड तो आपका होगा जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा, और उस ओरिजिनल कंपाउंड को ही हम लोग कह देते हैं कि एक जेमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यानी कि सिस ट्रांस कुछ भी नहीं उसको वन ही बोल देते हैं। ऑप्टिकल इसमें होगी नहीं, क्यों, क्योंकि आप इस तरीके जब इसको प्लेन को पूरा से कट कर देंगे तो ये वाला और ये दोनों लिगेंड एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इट मीन पीओएस प्रेजेंट। इफ पीओएस प्रेजेंट देन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकम जीरो। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने निकल के आए, वन। ठीक है, सेकेंड टाइप की अगर हम लोग यूज करें तो सेकेंड टाइप MA3B टाइप का होगा, यानी तीन लिगेंड हमारे सेम होंगे और एक हमारा पास में क्या होगा, वो थोड़ा अलग होगा। ठीक, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन आप बी से ऐसे कट करेंगे तो जब कट करेंगे ये भी इसी लाइन में होते हैं तो ये पूरा एक साथ कट होता है, ऐसे प्लेन हम लोग डालते हैं ये कट हो जाएगा। तो देखिए ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ऑप्टिकली वो इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए ये तो जीरो हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन एक तो हमारे पास में इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ जो कि हम लोग लेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, वन। थर्ड टाइप का जो है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल वो होता है MA2B2 टाइप का। यहाँ आप इस तरीके से इसको फॉर्म करेंगे, फिर से सेम वही प्रोसेस कि इसको जब अभी इससे कट करेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो वन है और सिस ट्रांस होता नहीं इसलिए वन लिखेंगे, और ऑप्टिकल भी क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, तो जिसकी वजह से टोटल हमारे पास कितना होगा, टोटल हमारे पास वन ही होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, POS प्रेजेंट है यहाँ पर भी। लास्ट है हमारा एम ए बी सी डी, यानी कि ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। अब सारे के सारे अगर लिगेंड्स डिफरेंट है तो डिफरेंट है, अगर आप यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे भी तो यहाँ पर देखिए सी और यहाँ बी आ गया, बोथ आर डिफरेंट लिगेंड, तो विच दीज लिगेंड्स डज नॉट रिफ्लेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो एक दूसरे को जब रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका ये हुआ और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, टू। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू। अब फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस 1/2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वन लिखा 1/2 और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितनी थी, टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास कितने आ गए, टू। इस तरीके से हम लोग टेट्राहेड्रल के मॉलिक्यूल को हम लोग किसी भी टाइप का दिया जाए हम लोग ऐसे ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, कि जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कोई भी आपको दे रखा होगा, जैसे क्या है कि इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, जैसे एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, तो एमएसक्यू टाइप का इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में बन सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि विच वन हैव या विच वन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो आप 4 से 5 कंपाउंड्स ये जाएंगे उससे देख सकते हो, या ऐसे कह दें कि द स्टीरियो आइसोमर्स टू फाइंड द मॉलिक्यूल, और नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से किसी भी दो में हो सकता है, तीन में हो सकता है, जिसमें स्टीरियो आइसोमर्स दो फाइंड आउट हो। ठीक है, तो ये था टेट्राहेड्रल का एज इट इज। हम लोग पढ़ेंगे अब स्क्वायर प्लेनर का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखिए मेटल होता है और इस तरीके से ये लिगेंड्स लगे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स लगे होते हैं इवन मेटल ऑल्सो इन प्लेन, ये सारे के सारे प्लेन में होते हैं, और प्लेन में होते हैं तो इसको ऐसा एज अ स्क्वायर की तरह ट्रीट अगर करें हम लोग तो ये तो रेक्टेंगल बन गया, लेकिन स्क्वायर तरह ट्रीट करें तो यहाँ पर एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री, और ये अपोजिट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पर जो लीगेंड अटैच्ड होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस, और 180 पे आएंगे तो क्या कहेंगे उसको, ट्रांस। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि सारे के सारे प्लेन पर हैं, तो हम लोग अगर इसको प्लेन से ही पूरा कट कर दें तो कट कर देंगे, तो इसमें तो POS परमानेंट रहेगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री परमानेंट एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो उसी के थ्रू देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट देख सकते हैं क्या लिखा है, ऑल एटम्स प्रेजेंट इन प्लेन, सभी के सभी एटम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज POS प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज होती है, और क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट एग्जिस्ट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं। इस तरीके से देखिए यहाँ बना के मैंने दिखाया हुआ है, आप ये मैंने कर दिया एम ए टू बी टू टाइप का है, और यहाँ पर आपने इमेज लगा दी, मिरर लगा दिया, और रिफ्लेक्शन करेंगे तो देखिए सुपर इम्पोजिबल है ये, और सुपर इम्पोजिबल जहां से आ गया तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर निकाले हम लोग इस वाले केस में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारी वन होगी, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड, सपोज दैट ये वाला केस है एम ए फोर वाला केस है, तो सारे लिगेंड सेम है, जब सारे लिगेंड सेम है तो सिस और ट्रांस हम लोग बता ही नहीं सकते, तो इसलिए वन होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जीरो, तो टोटल आइसोमर्स कितने निकल के गए हमारे, वन। इस तरीके से सेकंड आप देख सकते हैं एम ए टू बी टू टाइप का है, तो ये दे दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये बी और बी दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये एंगल हम लोगों ने कितना पढ़ा था, 90, तो ये हमारे पास में सिस है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सिस, लेकिन अब यहाँ देखिए बी और बी एक दूसरे का अपोजिट है, एंगल कितना होगा, 180, तो दैट्स वाई ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो गई टू, एक सिस और एक ट्रांस, ऑप्टिकल होती नहीं है, तो स्टीरियो हमारे पास कितनी आ गई, टू। बहुत सिंपल सा है, बस आप एक बार देखते चले जाएंगे तो सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एम ए थ्री बी टाइप, यानी कि तीन लिगेंड आपके सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। ठीक, तो अगर अब यहाँ बात करें बी का बी के साथ, ठीक है,
तो यहाँ और इस बी का इसके साथ भी, तो यहाँ सिस और ट्रांस दोनों ही एक ही के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे को हम लोग केवल एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे, दो नहीं कहेंगे। तो ज्योमेट्रिकल हमारे पास वन है क्योंकि एक ही कंपाउंड में सिस और ट्रांस दोनों आ गए, हमको और एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप बनाएंगे फिर वैसे ही आएगा, तो और कोई फॉर्म नहीं कर सकते। ऑप्टिकल जीरो होनी ही है, तो स्टीरियो कितनी हो जाएगी, टोटल करना होता है तो जीरो, ए वन हो गई स्टीरियो हमारी। ठीक है, ए बी सी डी टाइप, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक स्टार लगा लो, ए बी सी डी टाइप क्या होता है। यहाँ तो सारे के सारे लीगेंड डिफरेंट है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक लीगेंड के कंपैरिजन में दूसरे लीगेंड के साथ सिस और ट्रांस हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपको देखने में लगेगा कि ये सारे के सारे लीगेंड सेम है, डिफरेंट है, और सारे लीगेंड डिफरेंट है, सिस ट्रांस तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कंपेयर करा लेते हैं बस एक दूसरे का। ठीक, जैसे देखिए NH3 है वो Cl के साथ सिस है, और यही अमोनिया Br के साथ क्या है, ट्रांस है। अब यहाँ पर देखिए चेंज होता गया, अमोनिया है अब पिरिडीन के साथ कैसी है, ट्रांस है, और यहाँ अमोनिया क्या है, इस बार क्लोरीन के साथ ट्रांस है। ठीक, तो एक एक लीगेंड का, एक को आप फिक्स रखो, कोई एक लीगेंड को आप फिक्स रखो, उसके कंपेयर में उसके अपोजिट वाले को चेंज करते रहो। ठीक, तो यहाँ पर कितने हमारे आइसोमर्स मिले, थ्री आइसोमर्स मिले, क्योंकि एक को आपने फिक्स रखा, अब तीन ही ऐसे हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हो, वन टू थ्री, तो थ्री आइसोमर्स हमको मिल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास थ्री हो गया, ऑप्टिकल जीरो होता है, और टोटल आप निकालेंगे तो फाइव नहीं थ्री आएगा, लिख गया है टोटल कितना आएगा, थ्री, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। एक लास्ट वन है, ये बाइडेंटेड लिगेंड के लिए यूज किया जाता है, बाइडेंटेड लिगेंड, और बाइडेंटेड लिगेंड में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा क्या एक ही यूज होता है, बाकी सारे सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि ऑक्सिलेटो में भी दोनों ऑक्सीजन आ जाएंगे तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इथाइलिन डायमीन में भी दोनों आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर ग्लाइसिनेट यूज करते हैं, तो ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 आपका CH2 और CO, ये एमिनो एसिड है ये ग्लाइसिन। अब जैसे ये मेटल मान ली प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ ये अटैच है, तो एक तरफ O से अटैच होगा और एक तरफ नाइट्रोजन से अटैच होगा, इस तरीके से ये कुछ फॉर्म करता है। ठीक, तो इसको इस तरह से ना फॉर्म करके हम लोग ऐसे फॉर्म करते हैं, देखिए जैसे प्लेटिनम लिखा, एक तरफ आपने ओ कर दिया और यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, इस तरीके से ये कर दिया। अब देखिए ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ सिस है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कैसा है, सिस। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे ही फॉर्म कर सकते हैं कि प्लेटिनम है आपका ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन मैं कर दूँ, तो ये दोनों देखिए अब एक दूसरे के साथ अपोजिट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे के, तो ये कैसे हैं, ट्रांस। तो सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू हो गए, ऑप्टिकल जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, टू। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर भी इजी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखो क्या होता है, आप सभी जानते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक एक्सियल और इक्विटोरियल कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो ये तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री होगा तो सिस और 180 होगा तो ट्रांस। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मैं बात करूं ये ए मेटल देन ए, ये तो ये एंगल कितना हुआ 180, तो ये जो अपोजिट वाले होते हैं इनके बीच का एंगल 180 होता है, तो ये ऐसा अगर फंक्शन करेंगे तो ये ट्रांस की तरह है। और दूसरा ये ए एम, और देखिए इस तरीके से ये आपको ए दिख रहा होगा, तो देखने में आपको इस वाले फिगर में 90 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन होता वो 90 डिग्री ही है। ठीक है, इस तरीके से। और ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, प्लेन पर ही एग्जिस्ट करते हैं, जितने ये हमारे पास में ये दिखाए गए एबो और बिलो दिखाए गए, ये सारे प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं, इवन मेटल भी, ये ए और ये ए एबो द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं। ठीक, तो सारे के सारे लिगेंड सेम है तो सिस ट्रांस कुछ बता ही नहीं सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वन, सारे के सारे प्लेन पर होते हैं, ऑप्टिकल जीरो, स्टीरियो कितना आ गया, वन, इस तरीके से। अब ए फाइव बी, इसमें देखिए क्या हो सकता है, ए फाइव बी में तो आप देख सकते हैं कि
ए का, ए के साथ ये सारे ए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ नहीं बता सकते कि हमारा ऑप्टिकल वो ज्योमेट्रिकल में शीशे होगा या ट्रांस होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल भी है, अगर एक भी और होता तब इसके कंपैरिजन में इसका रिफ्लेक्शन देख सकते थे, लेकिन यहाँ तो देख ही नहीं सकते। तो ज्योमेट्रिकल वन, ऑप्टिकल जीरो, स्टीरियो भी वन। अब ऐसे आप देखो, अगर आप नहीं समझ पा रहे इस वो ऑप्टिकल, तो बीच से आप ऐसे देखिए, प्लेन को कट करेंगे तो ये इंटरेक्ट होगा इसके साथ, ये इसके साथ, तो दोनों तरफ सिमेट्री आ गई, यानी कि पीओएस प्रेजेंट है। इफ पीओएस प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, एम ए फोर बी टू, यहाँ इस पे स्टार डालते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिए ए फोर और ये, अब देखिए बी ये है और ये बी है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये बी और बी एक दूसरे के 90 पर, तो क्या होगा सिर्फ यहाँ देखिए बी और बी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 180 पर, तो क्या है ट्रांस। ठीक है, इस तरह का, ठीक है, देख सकते हैं एक ट्रांस है आपका और एक सिस है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी टू हो गई। ठीक है, और आप यहाँ पीओएस देख सकते हैं, बीच से आप सेंटर में ऐसे डालेंगे इसको प्लेन, और प्लेन जैसे ही कटेगा तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे जब, तो इसका मतलब स्पेक्ट में हमारे पास ऑप्टिकल क्या हो गया, जीरो। तो टोटल स्टीरियो हमारे पास कितनी निकल गया, टू। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आपकी जो अपलोड होगी, उस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ न्यू एग्जांपल्स लेके आऊंगा, और देन हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन इन कंपैरिजन स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट इज लेस स्टेबल, वो हमारे पास ज्यादा मतलब इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ज्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।